तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आपके साथ रिकॉर्डिंग माइक्रो के ऊपर। रिकॉर्डिंग माइक्रो जो कि हमने लास्ट क्लासेस में हम बताया था आपको कि आज की क्लास हम रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में करेंगे, तो चलिए रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में हम आज बताते हैं आपको। रिकॉर्डिंग मैक्रो या मैक्रो कह लीजिए एक्सेल का बहुत अच्छा फीचर है, तो उसका यूज क्या होता है पहले चीज को जानते हैं। तो जैसे मैंने कल समझाया था आपको कि रिकॉर्ड मैक्रो या हम कोड किए गए मैक्रो दोनों एक ही होता है। रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या करता है कि आप एक्शन को कोड में कन्वर्ट कर देता है, और वीवी जो कोडिंग करते हैं तो नॉर्मली जो आप टाइप ही करते हैं, तो दोनों सेम ही होता है। बस रिकॉर्डिंग मैक्रो एक तरह से एक टूल्स है जो आपके माउस और कीबोर्ड इवेंट को कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो किया, हमने एक कर्सर रखा, नेम लिखा, तो वापस यहाँ पे कर्सर रखा, रोल नंबर लिखा, यहाँ पे कर्सर लिखा था, मार्क्स लिखा, ये जो टाइपिंग किया, सिलेक्शन किया, इस सब का कोड जनरेट हो गया। आप इसको एडिट मैक्रो पे जाके देख सकते हैं कोड। जब कोडिंग करेंगे तो भी ये इसी तरह की कोड होगी। इसमें दो सवाल उठते हैं, जब हम कोडिंग करते हैं तो हम लोग इस तरह की लैंग्वेज को यूज नहीं करते, मतलब कि R1 C1 वगैरह इस तरह से यूज नहीं करते। इसका जवाब ये है कि ये वीवीए की ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बॉस से अगर छुट्टी लेनी है तो सिंपल सा आप बोलेंगे वर्बली जाके कि बॉस कल मुझे छुट्टी चाहिए, फलाना काम है, बॉस कह ठीक है या नहीं है या फलाना चलना भी बोलेगा। लेकिन इसी चीज को एप्लीकेशन के थ्रू देना हो तो आप इस सादे कागज पे बॉस कल छुट्टी चाहिए लिख के थोड़ी देंगे, उसकी प्रोफॉर्मा को फॉलो करेंगे ना, टू द मैनेजर, कंपनी नेम, एड्रेस और बाकी चीजें। तो सेम जब रिकॉर्ड की गई माइक्रोजन होती चलती है तो ये आपका सिस्टम लैंग्वेज को यूज करती है, और हम जो यूज करते हैं जो जरूरत होता है वो यूज करते हैं, दोनों में फर्क नहीं है। दूसरा यहाँ पे आता है कि जब रिकॉर्डिंग माइक्रो ऐसा फीचर है तो फिर हम कोडिंग क्यों सीखें? क्या जब मेरे पास ऑलरेडी एक है ड्राइवर है तो मैं गाड़ी चलाना क्यों सीखूं? तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो कोडिंग है लिमिटेड है, मतलब कि इसमें कंडीशन नहीं लग सकता, इसमें रिपीटेशन नहीं हो सकता, लूपिंग नहीं हो सकता, कनेक्टिविटी नहीं हो सकता, ये डायनेमिक नहीं हो सकता, तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, इसलिए आपको कोडिंग सीखना ही पड़ेगा। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर यूज क्या है इसका? तो इसके दो यूज है। पहला, अगर आप लर्निंग प्रोसेस में हो, लर्निंग पीरियड में हो, तो एज ए डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको ये जानना है कि कॉपी और पेस्ट स्पेशल का कोड क्या है, तो आपने क्या किया, पहले रिकॉर्डिंग माइक्रो ऑन कर दिया और एरिया को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर जहां पेस्ट करना है वहां गए, पेस्ट स्पेशल किए, पेस्ट स्पेशल में आपने वैल्यू को सिलेक्ट किया, देन ओके कर दिया, अब माइक्रो स्टॉप कर दिया। उसके बाद अगर आप माइक्रो जो बना है इसमें अगर हम एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे एडिट माइक्रो पे जाते हैं, तो यहां आप देखिए कि रेंज को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन को कॉपी किया, एक्सेप्शन पे जाया, सिलेक्शन को पेस्ट स्पेशल किया, पेस्ट में आपने पेस्ट एज वैल्यू को सिलेक्ट किया, तो इससे आपको क्या हुआ, आपको पता चल गया कि आखिर पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है। क्या गांधी जी, Yes, sir. Right. समझ आ गया? Yes. सर ये आगे बढ़े?
सर यहाँ पे जो सिलेक्शन ये दिखा रहा है ना, जो रेंज दिखा रहा है ना, ये F7 क्यों दिखा रहा है? ओनली F7 क्यों दिखा रहा है वहाँ कि हम जब पेज स्पेशल करते हैं तो F7 पे हमने क्लिक किया था ना, तब पेज स्पेशल किया था ना सर। तो पे? ओके पेज स्पेशल या पेज करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना पड़ेगा ना आपको। ओके okay. खाली वही वाला पोजीशन दिखा रहा है वो F7. जी हाँ। ओके गॉट इट. अच्छा दो सागर जी ज्वाइन किए हुए हैं। जी हाँ जी हाँ, सागर जी हैं और एक सागर फवाद जी हैं। तो सर. यहाँ पे हमने बताया कि रिकॉर्डिंग मानकों का यूज जो है लर्निंग पर्पज से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ उठ के आता है कि लर्न करने के बाद, सीखने के बाद क्या होगा? क्या इसका यूज नहीं होगा? हाँ, हम लोग भी इसका यूज करते हैं। इसका यूज करने का पर्पस होता है कि हमें कम से कम टाइपिंग करना पड़े। समझे? इसको हम लोग रिपीटेड जो वर्क रहता है उसके लिए यूज कर सकते नहीं, रिपीटेड की बात नहीं, वो तो मैक्रो तो उसके लिए बनता ही बनता है हमारा। हैं. मैं बात कर रहा था कि मैं आपके साथ ये बात कर रहा था कि रिपीटेड वैल्यू नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि कल के रेट में आप मैक्रो को अच्छी तरीके से जान लिए, कल के रेट में आपको मैक्रो जो है खुद से लिख लेते हो, तो क्या आप रिकॉर्डिंग मैक्रो को उस समय यूज नहीं करेंगे? उस समय भी हम मैक्रो को यूज करेंगे, लेकिन उसका यूज कुछ और होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी फिलहाल आप उसको एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्शनरी लेते हो मीनिंग के लिए, ऐसे आपको एज ए डिक्शनरी रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हो कि किस ऑप्शन का क्या कोड है और क्या कैसे यूज होगा। जैसे हमारे एग्जाम में कुंजी होती थी. जी हाँ, सही। लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे उस केस में भी हम इसका यूज करते हैं, लेकिन उस केस में इसका यूज करने का पर्पस इस चीज को जानना नहीं होता है कि किसका कोड क्या है। उस केस में हम इसका यूज करते हैं कम से कम कोड लिखने के लिए। समझे? तो इसके लिए चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। हम एक रिकॉर्डिंग माइक्रो को रियल डेटा पे और रियल प्रॉब्लम पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। तो मैंने एक डेटा भी ओपन किया, मैंने एक डेटा आपके सामने ओपन किया हुआ है, राइट? अब मुझे क्या करना होता है कि ये डेटा जो आप देख रहे हैं, ये डेटा मिला है, इसे पर्टिकुलर नेम और सिटी का है, तो मुझे क्या करना होता है कि इसमें से डेटा को फिल्टर करके नए फाइल पे डाल के भेजना होता है। मतलब मुझे पूजा कॉल करेगी और फोन करके पूछेगी, बोलेगी से फिर मेरा डेटा भेज दो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा, पूजा का डेटा एक फाइल में अलग रख के भेज दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद अशोक बोलेगा कि भाई मुझे मेरा डेटा भेज दे, तो मैं क्या करूंगा, फिर अशोक का डेटा एक शीट पे डालूंगा और उसको भेज दूंगा। तो इसके लिए मुझे बार बार फिल्टर लगाना पड़ता है। अब सिर्फ अशोक ही नहीं हो सकता, अशोक बोलेगा कि मुझे दिल्ली का डेटा दे दो, पुणे का डेटा दे दो, इससे की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल तो सिंगल पे चल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कुछ एक ऐसा माइक्रो बनाना कि मैं फिल्टर लगाऊं, नेम डालू, उस नेम का डेटा एक फाइल पे सेव कर। ओके? तो चलिए इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो का हेल्प लेता हूँ। रिकॉर्डिंग में कोई हेल्प करने के पीछे रीजन दो हो सकता है। एक, मैं टाइपिंग करना नहीं चाहता हूँ ज्यादा, या दूसरा मुझे फीवर, मान लीजिए कि बीवी के नॉलेज थोड़ी सी कम है। अब एग्जाम कर सकते हैं, उस सिचुएशन में मैं इसका यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए जब, तो यहाँ हमने मान लिया यहाँ पे कॉपी डेटा कॉपी के नाम से, यहाँ पे नाम अपने हिसाब से दे सकते हो या माइक्रो 1 2 भी रख सकते हो। शॉर्टकट ए मैं रन करूंगा माइक्रो लिस्ट में जाकर, या फिर यहाँ शॉर्टकट इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट क्यू डाल दिया
और इसके बारे में कोई डिटेल लाना चाहे डाल सकते हो, नेसेसरी नहीं है, देन ओके। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सेव नहीं कर पाएगा क्योंकि ए बी वी प्रोजेक्ट सेव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वर्कबुक जो है हमारा माइक्रो अनेबल इसमें है, एक्सेल एक्स में है, दिख रहा है सर, इसे बता दिया तो मुझे इसको सेव एज पहले कर देता हूं मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, फिल्टर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे पूजा को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए रिकॉर्डिंग माइक्रो कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कोई भी एक्स्ट्रा माउस मूविंग मत कीजिएगा, कहीं भी क्लिक स्क्रॉल या किसी और चीज पे मत जाइएगा, किसी और फाइल में मत जाइएगा, कि जो भी इवेंट करेंगे सबका कोड जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए आपने दूसरे शीट पे आपने चले गए तो आपका दूसरे शीट पे जाने का कोड रिकॉर्ड हो जाएगा। इन फ्यूचर में जैसे ही आपको रन करेंगे वो सीट वहां पे होना चाहिए, नहीं तो एरर देगा। इसलिए जो जरूरत स्टेप है उसी स्टेप को आप फॉलो करेंगे। उसके बाद मैंने डेटा, अब देखिए सिलेक्शन हम कभी भी माउस से नहीं करेंगे, वरना एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट होगा, डायनेमिक नहीं होगा। तो डायनेमिक के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ क्या है, फिल्टर में डेटा है तो इसलिए हमें इसको डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है। इसके लिए मुझे होम मेनू बार में आपके सामने होता है फाइनल सेलेक्ट में गो टू स्पेशल, इसमें होता है विजुअल सेल्स ओनली, मतलब जो पीछे का डेटा है उस डेटा को कॉपी करने के लिए हमने विजुअल सेल्स ओनली लिया एंड सेलेक्ट किया और फिर इसको कॉपी करते हैं। फिर एक नई चीज को यहाँ ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। हो गया पेस्ट सर। अगर सीट पहले से भी है फिर भी एक सीट ऐड कीजिएगा ताकि सीट ऐड करने का कोड जनरेट हो जाए। फिर इसका नाम मैंने दिया अमर और फिर इसको राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी में क्रिएट कॉपी एक नई वर्कबुक में डाल दिया। फिर इस वर्कबुक को सेव करता हूं और वर्कबुक को सेव करता हूं एक्सेस वर्कबुक में और लोकेशन में यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्ट करके और यहाँ पे अमर दे देता हूँ, अमर से। उसके बाद इस फाइल को क्लोज करता हूँ, इस अमर वाले सीट को मैं मूव डिलीट करता हूँ, कॉपी कर दिया था मैंने, मुझे मूव करना चाहिए था, मैं गलती किया यहाँ पे, और फिर फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ और माइक्रो यहाँ स्टॉप करता हूँ। अभी जो माइक्रो रिकॉर्ड हुआ है, ये माइक्रो जो रिकॉर्ड हुआ है कॉपी माइक्रो, ये वर्क नहीं करेगा। रीजन क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट है जो डायनेमिक नहीं है। सबसे पहले फाइल सेव करने का कोड जनरेट हो गया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो A1 पे गया, ऑटो फिल्टर लगाया, अब यहाँ पे दो दो फिल्टर, यहाँ भी फिल्टर है यहाँ भी फिल्टर है, एक फिल्टर ऊपर वाला हटा देता हूँ। दूसरा देखिए यहाँ A1 से लेके 798 तक का रेंज लिया हुआ है, लेकिन जब मैंने फिल्टर लगाया था उस केस में तो हमने सिर्फ A1 को सिलेक्ट किया था, मतलब A1 पे ही कर्सर रख के फिल्टर लगाया जा सकता है, तो क्यों हम यहाँ पे रखे इस रेंज को, यहाँ डिलीट कर देते हैं। फिल्टर लग गया, अमर सिलेक्शन दिया, कॉपी किया अटैचमेंट। अब यहाँ पे C2.select इसको नहीं चाहिए, अब C2 को हमने अमर किया। अब जरूरी थोड़ी कि C2 ही होगा, सीट टू की जगह पे सीट थ्री हो सकता है, सीट फोर, जब भी सीट ऐड होगी हर बार नाम अलग होगा, बट यहाँ एक्टिव सीट है तो हम इस चीज को जानते हैं कि जब भी कोई सीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है, तो एक्टिव सीट कहलाएगी वो। तो यहाँ सीट टू का नाम मैं एक्टिव सीट कर देता हूं और यहां पे हमने कर दिया एक्टिव सीट और यहां पे मैंने कर दिया मूव की जगह पे कॉपी, कॉपी की जगह पे मूव कर देता हूं, बाकी सब कुछ सेव रहेगा। अब हाँ ठीक है, एक्टिव शीट के आगे है ना, यस है यहाँ पे क्या ऊपर 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 एक्टिव एक्टिव शीट करके जो है ना डॉट मूव,
उसके आगे यस है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। यस एस लगे, हाँ ये एस लगे, सॉरी एक्टिव सीट डॉट मूव कर दिया, अब यहाँ पे हो गया, अब मेरा परफेक्ट हो गया कि ए वन को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे देखिए सिंपल एक कोडिंग इंग्लिश लैंग्वेज की भी है, इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। सिंपल से ए वन डॉट सिलेक्ट मतलब कि ए वन पे कर्सर रख रहा है, एक्टिव सीट डॉट रेंज ए वन से ऑटो फिल्टर अप्लाई कर रहा है फिल्ड थ्री, तो क्यों, क्योंकि तीसरे नंबर पर नेम है तो 1 2 3 फिल्ड थ्री क्राइटेरिया अमर है। फिर सिलेक्शन से एंड तक जाता राइट में डाउन में विजुअल सेल्स, यहाँ एक्सेल सेल्स है विजुअल सेल्स को कर रहा है स्पेशल सेल्स, तो हमने कॉपी किया सीट को ऐड किया एक्टिव सीट पे पेस्ट कर दिया ए वन, हमने सीट को रिनेम किया और ये बाकी चीजें कर दी। लेकिन ये जब भी रन होगा सिर्फ अमर का बनाएगा, अगर मैं दूसरा चाहिए तो मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा पूजा से दूसरा देगा, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मुझसे पूछे तो उसके लिए मुझे एक रियाज वेरिएबल देना होगा कि n इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां से मैं करूंगा एंटर योर नेम। अब सोचेंगे कि मैंने n क्या ले लिया, तो जब मैथमेटिक्स आप पढ़ते थे याद होगा बचपन में पढ़े ही होंगे, तो उसमें क्या था कि हम लोग जो थे वो एक्स वाई जेड लेते थे, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 100, एक्स वाई जेड लेते थे। उसी तरह से यहां भी हम वेरिएबल जिसको बोलते हैं वेरिएबल, या इसको टेक्निकली कह सकते हैं टेम्पररी सेविंग लोकेशन, जहां पे डेटा मेरा होल्ड हुआ है, तो जब मैं रन करूंगा तो मुझसे इनपुट बॉक्स पूछेगा, एक पॉपअप पूछेगा, मैं उस पर नाम डालूंगा वो एन पे स्टोर कर देगा, मुझे जहां जहां नाम की जरूरत है वहां वहां हम सिर्फ एन को यूज कर लेंगे या एन, और यहाँ पे हमने एन यूज कर लिया। अब यहां भी अमर है, बट ये क्या है कि देखिए इन्वर्टेड कॉमा में, चाहे एक्सेल का फॉर्मूला हो चाहे आपका वीवीए कोडिंग हो, वहां पे जहां भी इन्वर्टेड कॉमा होता है वो टेक्स्ट होता है, लेकिन हमें वेरिएबल है तो मैंने इसको उसके अंदर डाल दिया तो एन नाम का ही फाइल बना देगा, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा से, और जैसे कॉनकेटेनेट लगाते हैं एक्सेल में ऐसे यहां भी लगाया जा सकता है, ये पास बनता है। अब मेरा परफेक्टली वर्क करेगा, अब मैं एक बार इसको टेस्ट करता हूं, रन कॉपी नाम पूछा मैंने पूजा डाल दिया मैंने, ओके यहां पे देखिए दिक्कत आ गई, सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर जो सीट थ्री पे चला गया है इसलिए, तो यहां हमें सीट वन पे आना है। अब सीट वन पे आने का कोड पता है तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्ड करके ले ले, और ये ब्रेक मोड होता है, अब मैं इसको यहां आऊंगा तो इसको चलेगा, हाँ परफेक्टली वर्क किया। अब मैं अगर अपने डाउनलोड वाले टेबल पे जाता हूं, ये पूजा नाम का फाइल बन गया, अब मैं इसको रन करूंगा तो इसमें पूजा का, इसे ओपन करूंगा तो देखेंगे इसमें सिर्फ पूजा का रहता होगा, उसका सीट नेम भी पूजा होगा। तो इससे देखा आपने मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग माइक्रो में हमने क्या किया कि थोड़ी सी कोड एक दो लाइन हमने ऐड की, कुछ कोड को डिलीट किया, हमारा माइक्रो बन के तैयार हो गया। लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसके दो बेनिफिट हो सकते हैं, पहले बेनिफिट जैसे आपको बहुत सारे कोड लिखने की जरूरत ना होगा, दूसरा कुछ ऐसे होते हैं फिल्टर लगाने का कोड या मान लीजिए आपको कॉपी पेस्ट करने का कोड या पिवट का कोड, ऐसे कोड आपको एग्जैक्टली पता ना हो क्योंकि थोड़ी सी लंबी कोड होती है ये सब, तो आप रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज करके उसमें जो भी चीजें हैं उसको डायनेमिक कर सकते हो और फिर उसको यूज कर सकते हो। सो रिकॉर्डिंग माइक्रो यूजलेस नहीं है, आप उसको लर्निंग पीरियड में एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, आफ्टर द लर्निंग उसको आप एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हो, समझ गए, किसी को डाउट है इस पे? सर आपने इसमें बताया सर
कि जब रिकॉर्डिंग मैक्रो करें तो कुछ और लेट्स से स्क्रॉलिंग या दूसरी शीट पे ना जाएं या कुछ करें, ऑब्वियसली उसका भी कोडिंग हो जाएगी। अगर होगा ना जी, मैं देखिए आपको जब आपकी नीड हो तो जाइए, नीड नहीं है तो मत जाइए, क्योंकि जब आप उसको रन करें दोबारा रन करेंगे तो वो सीट होनी चाहिए। जैसे आपने सीट थ्री पे चला गया तो सीट थ्री पे जाने का कोड रिकॉर्ड हो गया, तो नेक्स्ट टाइम में आपके पास सीट थ्री होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो एरर देगा। क्या रिकॉर्डिंग को सर पॉज किया जा सकता है? नहीं नहीं स्टॉप हो सकता है या स्टार्ट हो सकता है। ओके और भी क्वेश्चन है? सागर जी, रोशन जी, अच्छा सागर दो ज्वाइन किया था, एक सागर लॉग आउट हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि मैक्रो को रन कैसे करेंगे। तो रन करने का तरीका बताया आपको कि आप यहां रन मैक्रो लिस्ट में जाके यहां से रन कर सकते हैं, या फिर आपने अगर ऑप्शन में जाके अगर शॉर्टकट बना रखा है तो शॉर्टकट से रन कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं बटन यूज करना तो डेवलपर टैब में, जो डेवलपर टैब है हमारा, इस डेवलपर टैब में आपके सामने इंसर्ट ऑप्शन दिखेगा। इंसर्ट ऑप्शन में आप जो है यहाँ पे दो बटन है, एक आपका एक्टिवेस कंट्रोल है, ऊपर आपका फॉर्म कंट्रोल है, तो इसको फिलहाल भूल जाइए क्योंकि इससे कोडिंग लिखना पड़ता है। यहाँ आते हैं फॉर्म कंट्रोल में, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अपना मैक्रो असाइन कर दीजिए। और फिर यहाँ पे आप दे दीजिए ऑप्शन रन का, अब मैं इस रन पे क्लिक करूंगा तो रन हो जाएगा। ये तो बटन बना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई स्टाइलिश बटन हो, जैसे मेरा इमेज वगैरह है ऐसे हो, तो उस केस में आप जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट में आया और शेप्स को लेता हूं, मैं शेप्स को यहाँ पे किया, इस पे मैं अपना कोडिंग वगैरह देता हूँ और यहाँ पे रन दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि इस पे मेरा मैक्रो असाइन हो जाए, जब रन करूं तो यहां से रन हो, ठीक है, राइट क्लिक करता हूं और इस पे देखिए असाइन में। अब मैं रन करूंगा इस से रन, ओके सर। जैसे कि मैं बताया था शुरुआती में थोड़ा सा स्लोली क्लास लूंगा, तो आप जो है अभी क्या कीजिए, अपने ऑफिस एक्सेल में कुछ रिकॉर्डिंग मैक्रो को रिकॉर्ड कीजिए और उसकी कोडिंग को चेंज करके उसकी इफेक्ट देखने की कोशिश करें, ठीक है। कल से हम बात करेंगे कोड कंसेप्ट में कि कोड क्या है, कैसे करना है वगैरह वगैरह, हम कल इस पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट सर। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय, गुड नाइट। ओके रिकॉर्डिंग में बना लेता हूँ आपको, ठीक, भेज देता हूँ अपलोड करके।